दुर्ग पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब सोने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह को दबोचा गया। दुर्ग शहर के प्रतिष्ठित ज्वेलर्स दुकान को ये गिरोह अपना निशाना बनाता था। अपने पास सोने के नकली आभूषण को बदलकर दुकानों से असली आभूषण लिया करता था। बाद में दुकान संचालक को अपने साथ हुई ठगी का पता चलने पर कोतवाली थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो महिला व दो पुरुष को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने प्रेस वार्ता के दौरान मामले का खुलासा कुछ इस प्रकार से किया। मामला दुर्ग का है जिसमें कि वो दुकान में आके नकली सोना के देकर असली सोना जो है वो एक्सचेंज करवा के ले जाया करते थे। उनकी सीसीटीवी फुटेज के आधार पे उनको पकड़ा गया है। पता चला है कि उन्होंने कबूला है कि धमतरी, रायपुर, बिलासपुर में भी उन्होंने इस तरह के मामले किए हैं। वहाँ भी पताफाजी की जाएगी। ज्वेलर्स का इनाम बता रहे हैं और गोल्ड जो है उन्होंने पैसे को कहाँ पर लगाया है उसकी पूछताछ की जाएगी।